ओवरथिंकिंग से मींस उसे खत्म कैसे करें? खत्म क्यों करना है? अच्छी होती है ओवरथिंकिंग, बुरी थोड़ी है। मींस हर सिचुएशन में हम सब कुछ कुछ भी अजम्पशन लगाते रहते हैं अपने और कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, पूरे एंटैंगल्ड हो जाते हैं। प्लीज हैव अ सीट। नंबर वन, तो आप ये समझो कि ओवरथिंकिंग कोई बुरी नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पास्ट में, वो आपसे ज़्यादा सोचते थे, आपसे कम सोचते थे? ज़्यादा ही सोचते थे। मैं आपको क्या लगता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा सोचता हूँ कम सोचता हूँ? ज़्यादा ही सोचता हूँ, कम तो नहीं सोचता। आप कोई भी टॉपिक दे दो, देखो मेरे पास तो तैयार बैठा रहता हूँ मैं तो, हाँ मतलब हर टॉपिक के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ है बोलने के लिए। तो द पॉइंट इज़ कि ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचना ही बंद कर दोगे तो आप में और जानवरों में क्या फ़र्क है, हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? सोचने का ही तो है, हम सोच सकते हैं, सोच करके अपने आप को जानवरों से बचा सकते हैं। बेचारे जानवर सोच करके अपने आप को हमसे बचा नहीं सकते, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि इंसान से कैसे बचे। तो सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है, राइट? रॉन्ग थिंकिंग, राइट थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, उससे तो आप सॉल्यूशंस निकाल लोगे ना अपनी लाइफ के। तो रॉन्ग थिंकिंग क्या है? व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग? रॉन्ग थिंकिंग का ग्राउंड क्या है? रॉन्ग थिंकिंग राइट थिंकिंग जो मैं कह रहा हूं, कैसे डिसाइड करें कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है? हो सकता है आपको रॉन्ग लग रही हो, मेरे लिए राइट हो, मुझे राइट लग रही है, आपको रॉन्ग हो। पकड़ में आ रही है बात? हाँ ठीक है। राइट थिंकिंग मतलब क्लियर थिंकिंग, सीधी थिंकिंग, एकदम सीधी सादी जैसे बोलते हैं ना। रॉन्ग थिंकिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जहां पे हम खुद ही फंसे पड़े हैं। तो राइट थिंकिंग मतलब क्या, रॉन्ग थिंकिंग मतलब क्या, बताओ जी। सर जो बिलीव्स पे बेस्ड है वो रॉन्ग थिंकिंग है, और जो रियलिटी पे बेस्ड है। बिल्कुल सही, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। क्या हूटिंग करी पाई आपने? आवाज आई मेरे को थोड़ी हल्की फुल्की सी, तो भंगड़ा भी पा दो अब तो यार, आओ ना भाजी। हाँ ये बात क्लियर हुई? yes, बोली है जो भी आपके बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है वो रॉन्ग थिंकिंग है, और जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है वो राइट थिंकिंग है। बिलीव्स हमारे किसके ऊपर बेस्ड है? इल्यूजन के ऊपर बेस्ड है, और जो रियलिटी है वहां पर किसी बिलीव की जरूरत नहीं है। Do you have to believe के मैं यहां पर हूं या नहीं हूं अभी? क्यों बिलीव करो, विश्वास करो कि मैं यहां पर हूं। मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? किसी को भी डाउट है कि मैं यहां पर हूं या नहीं हूं? तो रियलिटी में बिलीव की कोई जगह नहीं है। बिलीव कहां पर चाहिए? जो रियलिटी में कहीं नहीं है आपके आसपास में। बस आपको कुछ भी बोल दिया गया है और आपने मान लिया है और उसके बेस पर कुछ भी सोच रहे हो। कभी अपने अंदर झांक करके देखो, जो भी आप सोचते हो वो बिलीव्स के बेस पर सोचते हो या रियलिटी के बेस पर सोचते हो? 99% जो भी कुछ सोच रहे हो सब बिलीव्स के बेस पर। भगवान है या नहीं है? नहीं है। एक मिनट, कितने कहते हैं नहीं है? ये बिलीफ है या रियलिटी है? रियलिटी है। अच्छा रियलिटी है, वाह जी वाह, मतलब आपने तो सीधा ही स्टेटमेंट दे दी कि भगवान नहीं है। अच्छा मैं कहता हूँ है, करो चैलेंज, कैसे करोगे? और जो कह रहे हैं है, वो बिलीफ है रियलिटी है? बिलीफ है, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, करो प्रूफ। है आपके पास कोई फोटो वोटो है? दिखाओ, प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे? तो रियलिटी के बेस पर अगर हम सोचें तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, चीज़ों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन्स नहीं होते ऐसे माइंड में, ऐसे माइंड में अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। बिलीव्स के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि बिलीव आप कैसे करते हो? आप एक किताब के बेस पर बिलीव कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कहा उसके बेस पर आप बिलीव कर रहे हो। दूसरा कोई बंदा आ जाएगा जिसने किसी और रिलीजन की किसी और किताब में कुछ पढ़ा है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंड को ही प्रॉब्लमेटिक माइंड बोलते हैं। जिस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ही ना हो, उसको क्लियर माइंड बोलते हैं। तो क्लियर माइंड कैसे होता है? जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, रियलिटी के बेस पर। तो रियलिटी क्या है? भगवान है या नहीं है? क्या बोलना है? रियलिटी क्या है? पता नहीं। बिल्कुल सही, पता नहीं, आई डोंट नो, दैट इज रियलिटी। अभी आपके लिए यही रियलिटी है, लेकिन किसी दिन भगवान आपके एक्सपीरियंस में उतर आए तब आप बोल सकते हो यस आई नो, तब आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों में दिख जाएगा कि भगवान आपके आसपास में है, आपके अंदर है या नहीं है।
आप बिलीव कर रहे हो कि भगवान हमारे अंदर है क्योंकि वहां लिखा हुआ है, या आपको पता है कि भगवान मेरे अंदर है? तो बिलीफ और रियलिटी में फर्क को हमको समझना है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, तो ये जो ओवरथिंकिंग जो प्रॉब्लम है, जो आई एम 100% श्योर आप सबकी है, सुबह ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, रात तक जब तक सोने की कोशिश कर रहे होते हैं वो एक्टिवेटेड रहता है, कुछ भी थॉट्स आ रहे होते हैं माइंड में. जैसे कोई भूत की पिक्चर देखी, या आपके भाई ने आपको कोई भूत प्रेत की कहानियां सुनाई, अब रात को नींद नहीं आ रही. क्यों नहीं आ रही? क्योंकि डर लग रहा है, भूत प्रेत दिमाग में घूम रहे हैं. तो क्या ये आपके बिलीव्स हैं जिसके बेस पर आप सोच रहे हो, या रियलिटी है? बिलीव्स हैं. तो अब ये थिंकिंग खत्म कैसे होगी? कैसे होगी बताओ? सिर्फ ये समझने से होगी कि ये बिलीव्स हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है, इल्यूजन्स हैं. भूत नहीं है, मेकअप है. ध्यान से जा करके देखो वहां पे टेलीविजन में, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा ये तो मेकअप है. ऐसी भूत तो मैं भी बन सकती हूँ, उससे बेटर बन सकती हूँ. इनफैक्ट मुझे तो मेकअप की भी जरूरत नहीं. ये आपको जवाब मिल गया है? क्लियर जवाब मिल गया है? अगर किसी पर्सन के लिए अगर हम कि हाँ वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो दिमाग में उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बहुत आता रहता है, तो उसको कैसे करेंगे? वो सच में ऐसे हैं या वो ऐसे दिखा रहे हैं? हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन रहती है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि वो जो पर्सन हमारे साथ में है वो ऐसे हैं या वैसे हैं. ऐसे वैसे मतलब अच्छे हैं या बुरे हैं? तो वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं. दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ अच्छा हो या सिर्फ बुरा हो. बुरे से बुरे में भी अच्छाई होती है, अच्छे से अच्छे में भी बुराई होती है. लेकिन जिस बेस पर आप उनके बारे में अच्छा बुरा सोच रहे हो, जरूरी नहीं है वो सच है. वो इल्यूजन भी तो हो सकता है ना. तो रियलिटी है या इल्यूजन है वो कैसे पता लगेगा? उनके साथ बैठ करके पता लगेगा. चाहे डायरेक्टली उनसे पूछो, चाहे इनडायरेक्टली पूछो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप. जैसे आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी और मेरी वाइफ की जो रिलेशनशिप है, अगर जरा सा भी कुछ मेरे को लगता है तो मैं सीधा जाकर के उसे पूछ लेता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है क्या? तो वो हंसने लग जाती है कि नहीं क्या लग रहा है. मुझे थोड़ी एक्चुअल में पता है कि वो अपने माइंड में क्या सोच रही है, तो मैं क्या करता हूँ, जाकर के उसे पूछ लेता हूँ, तो पता लग जाता है कि वो मेरा बिलीफ था या रियलिटी थी. तो माइंड में कभी भी चीजों को पड़े मत रहने दो. ये जो चीजें पड़ी रहती है ना, ये सड़ने लग जाती हैं टाइम के साथ साथ. किसी के लिए आपके दिल में कुछ बुरा है, कोई नफरत है, ये है वो, निकाल दो ना उसको, खत्म करो. बंदे को खत्म नहीं आया, एक मिनट समझे मैंने क्या बोला. यही प्रॉब्लम है, आप कुछ और मत समझ जाना. खत्म करो मतलब उस बात को खत्म करो, या तो उससे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा किसी के लिए कोई खुंदक है तो कमरा अपना बंद करो जिस वक्त घर में कोई ना हो, और चीखो चिल्लाओ, ये करो वो करो, कुछ भी, दो चार कांच के ग्लास ले लो, तोड़ दो ऐसे करके, बाद में उसको साफ कर दो, थोड़ा खून वून भी निकल आएगा तो रिलैक्स हो जाओगे. तो अंदर की जो भी भड़ास है वो निकाल दो, मतलब उसको दबा करके मत रखो अपने अंदर. किसी के लिए भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई बुरी फीलिंग है, कोई बुरा थॉट है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की चाह है, तो समझ जाओ आप खुश नहीं रह सकते, उसका कुछ नहीं जाएगा. मतलब आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, पहले यह समझ लो. ये हम बड़ी गलती करते हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है आपकी किसी के साथ लड़ाई हो, लेकिन वो एंड तक आपसे लड़ता ही रहे, मरते दम तक आपसे नाराज ही रहे. आपने कोई गलती कर दी, आप उसे माफी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको माफ नहीं कर रहा है. तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, आपको अपने आप को माफ करना है कि आई एम जस्ट अ ह्यूमन बींग, मेरे से कोई गलती हुई और मैंने खुद को माफ कर दिया. अब उसने नहीं किया तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मरेगा पूरी जिंदगी के लिए, वो सड़ेगा अंदर ही अंदर. इसको सड़ना बोलते हैं, अंदर ही अंदर. कोई आपसे जेलसी कर रहा है तो आपको वहां पर उसके माइंड को क्लियर नहीं करना है कि वो आपसे जेलसी ना करे. उसको आप कैसे क्लियर करोगे? आपको अपने माइंड को क्लियर करना है कि मेरे अंदर जेलसी पैदा ना हो. कोई अगर अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है तो कोई बात नहीं, करने दो, उसकी अपनी प्रॉब्लम है. आपको खुद को किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है. जहां आप कंपेयर करते हो वहीं आप फंस जाते हो. या तो आपकी ईगो बढ़ेगी, या अपने आप को नीचे गिराया तो आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाएंगी. तो ना अपने आप को किसी से कम समझना है, ना ज्यादा समझना है. ये बात पकड़ में आ गई है ना? ये कुछ बेसिक्स हैं लाइफ के. अगर ये हम समझ पाए ना और इस तरह से चल पाए, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है यहां से, इफ यू रियली वॉन्ट. एक है आपने सिर्फ पूछने के लिए पूछा है कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करूं, क्योंकि ये कोई छोटा सवाल नहीं है. इफ यू रियली मीन इट, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज है नहीं लाइफ में. इसकी वैल्यू क्या है? आपके जो
अंदर की दुनिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसी को तो खुशी कहते हैं। और खुशी क्या है? बाहर चिल्लर पिल्लर मिल जाएगी, वो खुश, उससे खुश हो गए आप, समझे? आपने कहा किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें, हाँ। ऐसे क्यों सर? करो कंपैरिजन, करो करो और फिर देखो अंदर क्या होता है, तो धीरे धीरे समझ आएगा। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली समझो, आप कह रहे हो कंपैरिजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग आई मे बी राइट, तो कंपैरिजन करो और अपने अंदर झांक करके देखो क्या होता है, आपके माइंड की कंडीशन क्या होती है। नहीं, हम किसी बंदे को कुछ देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो आप कंपेयर थोड़ी कर रहे हो, आप तो सीख रहे हो। इज लर्निंग कंपैरिजन? आप अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहे हो या मेरे से कुछ सीख रहे हो? हाँ, अगर कंपेयर करोगे तो अपनी धज्जियां उड़ा लो। समझ गए? कि ये बंदा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ये वो व्हाटएवर, सीख रहे हो तो चाहे इससे सीखो चाहे गली में किसी भिखारी से सीखो, उसमें कंपैरिजन की क्या जरूरत है? सर हम नहीं करते, सर पेरेंट्स करते। करने तो अभी मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये बात समझ आई कि आपको अपने माइंड को ठीक रखना है, अपने पेरेंट्स के माइंड को नहीं। आपके पेरेंट्स अपने माइंड को ठीक रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से करी, लेकिन इन बातों की इंपॉर्टेंस और इसकी डेप्थ आप देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मेरा जो काम था मैंने सिंसियरली कर दिया है, आगे आपका काम है।